नमस्कार, मैं हूं एमके निराला, देख रहे हैं विमर्श न्यूज। बिहार सरकार का दावा है कि हमने धान खरीद मामले में अपना रिकॉर्ड कायम कर लिया है, लेकिन किसानों का कुछ कहना और ही है। किसानों का आरोप है कि पैक्स अध्यक्ष और बिचौलियों ने मिलकर करके किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, और उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरा धान अभी तक घर में रखा हुआ है, पूरा का पूरा नहीं ले पाए। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सूबे बिहार में धान खरीद के नाम पर चल रहे खेल को बताने के लिए हमने गया जिला के नावाडीह प्रखंड के कुछ गांवों को चुना है। हमारे संवाददाता ने सैकड़ों किसानों से बातचीत की है, उसके कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गया के नावाडीह में धान खरीद के नाम पर कैसा खेल चल रहा है। पहले कुछ किसानों की बात सुनिए। इस बार हम ऑनलाइन करवाए धान बेचने के लिए, तो अध्यक्ष महोदय ने बोला कि 15 तक ले लेंगे, फिर 15 तारीख के पहले भी गए 12 तारीख तक, तो बोले कि नहीं होगा से अब सारा 10 पहले करते तो ले लेते, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। हम ऑनलाइन भी उनके जगह जमा किए थे, और फिर वो बोले कि अगर दीजिएगा तो साल भर के बाद पैसा देंगे। मैंने धान बेचने के लिए पैक्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसके बाद मैंने पेपर भी उन यहाँ के पैक्स अध्यक्ष अमित कुमार, वैसे नाम साहेब जी कहा जाता है, उनको दिया था। ये बोले थे ठीक है, ये महीना के अंत में ले लेंगे। पानी वर्षा हो रही थी तो यहाँ धान पिटाया, तो मैं 11 तारीख को फ़ोन किया, नहीं उठाए। 12 तारीख को नहीं फ़ोन किए। 13 तारीख को फिर आदमी हम भेजे, तो फिर वहाँ पता चला कि कहीं हमारा भगीना गया, तो उसको कह रहे हैं कि ये तो बंद हो गया, 11 तारीख को ही बंद हो गया, अब नहीं लिया है। चलिए ये तो किसानों की बात है, अब जरा नज़र डालते हैं सरकार जो दावा कर रही है उस पर। बिहार सरकार कह रही है कि खरीफ मार्केटिंग ईयर 2021-22 में 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राज्य सरकार ने 44.91 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर लिया है। राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 7104 समितियों ने 6,43,000 किसानों से धान खरीद की है। 85% किसानों के खाते में राशि का भुगतान कर दिया गया है। हम ऑनलाइन करके उनका 4.25 एकड़ लमसम जमीन दिए थे, उसमें 61 बोरा मेरा धान लिया, 3 क्विंटल के अभी पेमेंट नहीं किया है। पर्ची रसीद पर मनो हमको 26 क्विंटल 40 किलो आया है। तो जो किसान कह रहे हैं क्या वह झूठ है? क्या यह झूठ है कि पैक्सों के अध्यक्ष अपने चहेते लोगों को ही पैक्स सदस्य बनने देते हैं, दूसरा कोई चाहकर भी पैक्स समिति का सदस्य नहीं बन पाता? क्या यह झूठ है कि अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन कराने के बावजूद धान की खरीद मनमाने तरीके से हो रही है, किसानों को इसका पता तक नहीं चलता? क्या यह भी झूठ है कि सरकारी रेट पर धान की खरीद नहीं होती, पैक्स अध्यक्ष और बिचौलिए मिलकर बाजार भाव पर बनिया से धान खरीद लेते हैं? यह सब झूठ है। तो किसानों का यह आरोप क्यों है कि फर्जी किसान का निबंधन कराकर बिचौलियों के माध्यम से धान खरीद कर लगातार कई वर्षों से एक ही खाता के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक के खाता के माध्यम से ये खरीद हो रही है। अगर ये सब झूठ है तो गया जिले के नावाडीह के किसान ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और इनकी बातें क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए? संबंधित मामलों में इनसे जुड़े पदाधिकारियों एवं पैक्स अध्यक्षों से हमने मिलने और बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा पर कोई भी पदाधिकारी या पैक्स अध्यक्ष अपनी बात बोलने से इनकार किया। हमारे यह कहने के पीछे कई कारण हैं। एक तो पूरे राज्य में किसानों से मिलिए, अमूमन सभी जगह एक ही जवाब मिलेगा कि बिचौलियों ने धान खरीद ली और उनको पता तक नहीं चला। दूसरी बात है कि धान खरीद में सामान्य नियमों का भी ख्याल नहीं रखा जाता। आप देखेंगे किसी भी क्रय केंद्र पर सहकारिता विभाग या जिला प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। किसान पैसे की कमी के कारण औने पौने दाम पर धान बेच रहे हैं। किसानों से खरीद के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी या कर्मी किसानों के दरवाजे तक नहीं जा रहा है। जो किसान पैक्स को धान बेच रहे हैं उनको नमी ज़्यादा बोलकर राशि काटी जा रही है, किसानों को बोरा की भी कीमत नहीं मिलती। 42 किलो 200 धान देना है, ये BCO सर बोल के गए थे, लेकिन 43 किलो 200 धान लिए हैं पैक्स अध्यक्ष हमारा अमित कुमार जी।
ठीक है, वहाँ तक के गोपालपुर तक के भाड़ा नहीं काटने के लिए बोले थे, वो भी अभी तक के मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। 18 क्विंटल हम धान दिए हैं, इसमें 23,200 पेमेंट हुआ है। तो हमको धान को 75 क्विंटल के ऑनलाइन कह रहा था, तो 52 क्विंटल गया धान, 52 क्विंटल 20 किलो, तो 52 क्विंटल 20 किलो धान गया, तो उतना को पैसा नहीं पेट आया, 40 क्विंटल को पैसा दिया, और धान 75 क्विंटल के ऑनलाइन था, तो फिर 52 क्विंटल गया, तो 75 क्विंटल नहीं लिया। वह धान दिया से फ़ोन करते करते 75 तुरी फ़ोन किया, बाकी फ़ोन नहीं उठाया, तइयो बलजोरी धान लेके गया यहाँ से। बाकी पैसा 40 क्विंटल के मिला, बाजार भाव देवल का दुकान। तो धान जैसे कि मेरा पैक्स में नहीं लिही, ऑनलाइन हम आपको अक्टूबर सितंबर के में किए थे, उन्हीं से करवाए थे, हम अपने से किसी नहीं, उसी से करवाए, और कहें कि भाई हम 12 तारीख को गए, कहें कि से बोल आप तो बंद हो गलो, से कल अगर जो पैसा मिलतो तब फोन करबो, और ना तो अगला साल। फिर हम 13 नहीं 14 नहीं 15 तक गए, बोलने अब नहीं होगा, से आप को अब अगला साल होगा। कितना धान लेते हैं धान? वो तो हमसे तो कहे नहीं कि इनकी कितना धान लेंगे, लेकिन धान मेरा जैसे कि 100 पैकेट था। कितना जमीन पड़ता है? जमीन मेरा पड़ता है 5 एकड़। 5 एकड़ ऑनलाइन होल है? 5 एकड़ का नहीं, जितना का रसीद दिए उतने का हुआ है। रसीद कितना का दिए हैं? वो रसीद यहाँ हम नहीं रखे हुए हैं कि कितना का है, उसमें सब भाई 3-4 गो भाई हम लोग हैं, 5 गो सब का उसमें दिया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। घर? घर नावाडी। प्रखंड? डोभी। क्या बोले? बोलिए जो कहना है आप बोलिए। तो विमर्श न्यूज यह सवाल खड़ा करना चाहता है कि राज्य में धान खरीद के नाम पर जो खेल चल रहा है, अगर वह झूठ है तो इसकी जांच क्यों नहीं करा ली जानी चाहिए? असल में सवाल यह है कि जांच कराएं भी तो किससे, कौन करेगा जांच, और फिर उस जांच की रिपोर्ट पर कौन भरोसा करेगा? सवाल यही बड़ा है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए विमर्श न्यूज, और लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।